हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोशल फ्रेंड। ये सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सेशन नंबर 6 है। इसमें क्या करना है मैं कुछ बताता हूँ। बेसिक चीज़ें, स्टेटमेंट क्या होता है, किसी शब्द को कहना है ना, ये चीज़ होता है। स्टेटमेंट एक प्रकार का कह सकते हैं इंस्ट्रक्शन होता है जो कंप्यूटर को डिफरेंट टाइप का कार्य करने के लिए बाधित करता है, यानी एक्सिक्यूट करने के लिए कमांड देता है। और प्रत्येक स्टेटमेंट के अंत में अगर हम प्रोग्रामिंग लिखते हैं तो प्रत्येक स्टेटमेंट के अंत में हम सेमी कॉलन का इस्तेमाल करते हैं। ये कुछ टाइप होते हैं, इसे तीन टाइप होते हैं। एक होता है सिक्वेंशियल स्टेटमेंट। सिक्वेंस मतलब क्या होता है, एक क्रमानुसार, मतलब जो ऐसा प्रोग्राम हो जो एक एक करके ऊपर से नीचे के क्रम में एक्सिक्यूट हो बारी बारी। और दूसरा होता है सेलेक्शन स्टेटमेंट। सेलेक्शन स्टेटमेंट क्या होता है उसको थोड़ा समझ लो। सेलेक्शन स्टेटमेंट होता है उसके अंतर्गत होता है इफ स्टेटमेंट, ठीक है, बोलते हैं स्टेटमेंट। और दूसरा होता है स्विचेस, स्विचेस स्टेटमेंट। और नेक्स्ट होता है कंडीशन, कंडीशनल ऑपरेटर। और एक और होता है गो टू स्टेटमेंट, ठीक है, तो गो टू स्टेटमेंट भी इसी में शामिल होगा। अब बात करते हैं लूपिंग स्टेटमेंट। एक होता है, देखो ये लूपिंग स्टेटमेंट जो होता है ना उसके अंतर्गत, इसको बोलते हैं हम लूपिंग स्टेटमेंट। इसके अंतर्गत होता है फॉर, वाइल, और एक होता है डू वाइल, ठीक है, सो बोलते हैं डू वाइल। इसको भी लूप के ही अंतर्गत रखते हैं। तो आपने ये जाना कि स्टेटमेंट तीन टाइप का होता है, एक होता है सिक्वेंशियल, दूसरा होता है सेलेक्शन, और तीसरा होता है लूपिंग स्टेटमेंट। ओके, तो अब हम देखेंगे यहाँ पर कुछ चीज़ें और कि इफ स्टेटमेंट को हम सिंपल स्टेटमेंट कहते हैं। ये जो स्टेटमेंट आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये वाला स्टेटमेंट, इसको बोलते हैं हम लोग सिंपल स्टेटमेंट। सिंपल स्टेटमेंट में क्या होगा कि यहाँ पर इफ़ लिखा हो, ठीक है, यहाँ पर इफ लिखा होगा, मैं इसको करके दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि इफ़ लिखा हो, यदि ब्रैकेट हो, और यहाँ पे कंडीशन हो, है ना, कंडीशन लिखा हो और ब्रैकेट क्लोज हो, इंटर करो और ओपन ब्रेसेस, इसके अंदर लिखा जाता है स्टेटमेंट नंबर 1, स्टेटमेंट नंबर 2, लिख सकते हैं स्टेटमेंट 1। और स्टेटमेंट में क्या होगा, सेमी कॉलन क्लोज होता है, इंटर करते हो। अगर आपको आपके पास एक और स्टेटमेंट है तो आप स्टेटमेंट यहाँ पर लिख सकते हो, स्टेटमेंट नंबर 2, ब्रैकेट, और इसको आप सेमी कॉलन क्लोज किया, और यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, ब्रैकेट क्लोज कर दो। इस तरीके से आप जानते हो कि यहाँ पर ये चीज़ यूज़ हो जाता है, है ना। ओके, मैं इसको बता देता हूँ। तो ये तरीका फॉलो हो जाएगा कंडीशन के लिए। तो यहाँ पर लगा दोगे कोलन, सॉरी अब ब्रेसेस बोलते हैं इसको ना, मिडिल ब्रेसेस। तो इस तरीके से बोलते हैं हम लोग टोटल की। ये इफ स्टेटमेंट का एक ब्लॉक है ना। और इनमें और कुछ चीज़ें समझनी हो समझ लो आप, जैसे क्या कि अगर हमें कोई एक फार्मूला बना रहे हैं, एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं जिनमें हमने एक ऐड कर लिया कि अगर कोई बंदा 18 साल का हो, अगर एज को क्लियर करता है 18 साल, तो वो बंदा वोट दे सकता है, ठीक है। या मैरिज ब्यूरो की बात करें, वहाँ प्रोग्राम बना दिया कि 18 साल का अगर बंदा होगा, बंदी होगी, तभी उसका शादी मैरिज वगैरह हो। तो आप एक प्रोग्राम बनाना तो बहुत आसान है। देखो जी, इफ लिखो, ब्रैकेट दो, और यहाँ लिख सकते हो ना एज लेस देन 18, मतलब क्या 18 तक बराबर हो ना, एज का जो मान हो 18 पे हो। और यहाँ पर लिख सकते हो प्रिंट, और ब्रैकेट दे दिया आपने क्या, सॉरी लिखो ना प्रिंट ऑफ, इम्पोर्टेंट होता है प्रिंट ऑफ, लिख करके यहाँ लिख देते हो आप कि यू आर, और इसका लिखते हो ऐसे यू आर यंग, ऐसे भी दिखा सकते हो आप यंग हो, या यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग वगैरह के लिए।
आपने दे दिया। इस तरीके से इफ स्टेटमेंट का हम इस्तेमाल करते हैं। और इफ स्टेटमेंट को एक और तरीके से आप यूज़ कर सकते हो, मैं बता देता हूँ कैसे करोगे वो देखो। इफ स्टेटमेंट को एक और तरीका यूज़ करने का, आप यहाँ पर लिखते हो कि इफ ब्रैकेट, और यहाँ पर डबल ब्रैकेट भी इस्तेमाल कर सकते हो। आपने लिया एज लेस देन, और आपने दे दिया इज 18 दे दिया, एक को ब्रैकेट क्लोज कर दो, क्योंकि यहाँ पर हम एक ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये जो ऑपरेटर होता है इसका मैंने डिस्कस किया था पिछले सेशन में। ठीक है, ये जो ऑपरेटर इसका नाम है लॉजिकल ऑपरेटर, तो लॉजिक फिट करना। तो यहाँ पे हम एंड का यूज़ करेंगे, और यहाँ पे एक और ब्रैकेट लेंगे, हमने लिख दिया जेंडर, और ब्रैकेट हमने सॉरी यहाँ पे डबल इज इक्वल टू और सिंगल कोट लिखेंगे एफ। ठीक है ना, और इसको हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इंटरप्रेस करेंगे, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको ऑन करके एक प्रोग्राम, हमने लिख दिया प्रिंट एफ ब्रैकेट, और इसमें लिख सकते हैं हम लोग यू और एडल्ट, यू और एडल्ट सॉरी। इसको लिखने के बाद आप इसको क्लोज कर दो, यानी एक स्टेटमेंट हो गया। और दूसरा स्टेटमेंट देना चाहते हो तो अब लिख दो यहाँ पे प्रिंट ऑफ, यानी एक से अधिक मैसेज जब प्रिंट कराना हो ना तो आप इनका इस्तेमाल करोगे। कहने का मतलब ये है, आपने ब्रैकेट दिया, डबल कोटेड दिया, यू आर लिख सकते हैं यू आर एडल्ट एंड यू आर एंड यू आर एडल्ट एंड सी इज फीमेल, ठीक है फीमेल। ठीक है, और इस तरीके से क्लोज करके सेमी कॉलन और इसको लगा दो। ये आपका इफ स्टेटमेंट है, इस तरीके से भी यूज़ होता है ना। तो इस तरीके से आप प्रोग्राम यूज़ कर लेना। अगर इसके एक और स्ट्रक्चर के बारे में हम डिस्कस करना चाहें तो एक और स्ट्रक्चर हम डिस्कस कर सकते हैं, मैं दिखा देता हूँ। देखो एक अगला स्ट्रक्चर यहाँ पर है, स्ट्रक्चर ऐसा है कि आप लिखो इफ ब्रैकेट देते हो, और जैसे एक्स दे दिया मैंने, और इसमें कोई इजिकल टू डबल इजिकल टू दिया मैंने इक्वल टू, और मैंने यहाँ लिख दिया 10 और ब्रैकेट क्लोज किया, मैं एंटर करता हूँ। यहाँ पर क्या करना है, आपको स्टेटमेंट लिखना है ना। तो स्टेटमेंट लिखते हो स्टेटमेंट वन, है ना, और स्टेटमेंट लिखा स्टेटमेंट टू, और यहाँ पे इसका ऐसे यूज़ कर लेते हो। सो मैं इसको स्मॉल कर दूँ यहाँ से, आपको दिख जाए इस, है ना। इस तरीके से भी पूरा स्ट्रक्चर बनता है, इसको हम सिंटेक्स बोल सकते हैं। तो चलिए हम इसमें एक प्रोग्राम बना के दिखाते हैं कि ये प्रोग्राम कैसे बनता है। ये तो बेसिक चीज़ें थी, अब यहाँ पर हम एक प्रोग्राम बनाएंगे। प्रोग्राम का नाम है कि एक लिखा गया कि राइट अ प्रोग्राम, ठीक है, इनपुट टू नंबर एंड फाइंड आउट ग्रेटर नंबर और बोथ आर इक्वल। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, हमने न्यू पे क्लिक किया, ये हमारे पास प्रॉम्प्ट आ गया टर्बो का। हम यहाँ पर लिखेंगे अपना जो भी मैटर देना चाहते हैं। देखो एक चीज़ ना, प्रोग्राम को चलाना चाहो तो ऐसे भी चला सकते हो डायरेक्टली, आपको कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं। बाकी जो ऊपर देते हो आप ऐसे डायरेक्टली लिख दो और उसको क्लोज करो। इसके अंदर हम प्रोग्राम को लिखेंगे, हम लिखते हैं पहले इंटीजर, और हमने दिया ए और बी, और एक कुछ दे दिया हमने मैक्सिमम नंबर, ठीक है ना, क्योंकि हमें दिखाना है ये मैक्स। और यहाँ पर लिखने के बाद इंटर करो, और यहाँ पर आप देना प्रिंटर, अगर स्मॉल में लिख रहे हो तो स्मॉल में लिखो, कैपिटल लिख रहे हो तो कैपिटल लिखो। मोस्टली आप लोग इस हम लोग स्मॉल इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हम इंटर नंबर, और इस चीज़ को हम यहाँ पे डबल कोटेड क्लोज कर देंगे और सेमी कॉलन लगा के स्टेटमेंट क्लोज कर दिया। अब नीचे हम लिखते हैं हम स्कैनअप, यानी इनपुट देने के लिए हम स्कैनअप का इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ पे डबल कोटेड लगाएंगे। जितना भी नंबर हम यूज़ कर रहे हैं उनके लिए इंटीजर का इस्तेमाल करेंगे,
तो हमने इनका दो नंबर यूज़ कर रहे हैं, इंटीजर का इस्तेमाल करेंगे, डबल कोट एंड क्लोज और कॉमा लगा करके यहाँ पर एम्परसेंड के साथ आपको ए देना होगा, कॉमा लगा करके दोनों वैल्यू को आपको दिखानी पड़ेगी। इसके बाद इसको ब्रैकेट क्लोज करो, आपने इंटर किया फिर से अब यहाँ पे कंडीशन शुरू हो जाएगा ना, लिखना इफ और मैं इसको थोड़ा सा गैप कर लूँ हल्का सा, ठीक है। मैंने इफ यहाँ पर कंडीशन की बात हो रही है, हमने लिखा ए ग्रेटर देन बी, ठीक है, इसको बहुत ही आसान समझना, ए ग्रेटर देन बी मैंने लिख दिया डायरेक्टली, इंटर करूँ मैं और यहाँ पे आप क्या देना है, मैंने बताया था स्टेटमेंट देना इंपॉर्टेंट है ना, तो इसका स्टेटमेंट क्या होगा, स्टेटमेंट आप लिखते हो यहाँ पर प्रिंट ऑफ ब्रैकेट डबल कोटेड और यहाँ लिखते हो आप फर्स्ट नंबर, सॉरी फर्स्ट नंबर, जैसे आप लिखोगे फर्स्ट नंबर और इसके बाद लिखोगे फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर डबल कोट एंड क्लोज और ब्रैकेट सेमी कॉलन, और यहाँ पे क्या करना है, एक काम जो को जहाँ पे ओपन किया था आपने ब्रैकेट ब्रेसेस ना, इस ब्रेसेस को यहाँ पे बंद कर देना, ये इंपॉर्टेंट ख्याल रखना, जहाँ ओपन करो वहीं भी बंद भी कर दो। इंटर किया, अब हम सेकेंड नंबर की बात करेंगे, हम लिखेंगे इफ और ब्रैकेट दिया हमने, अब दूसरा कंडीशन चेक करना पड़ेगा हमें, क्योंकि हमने ए ग्रेटर देन बी किया तो अब हमें यहाँ पर ए ग्रेटर देन सॉरी बी ग्रेटर देन ए को चेक करना पड़ेगा, है ना। एंटर किया और यहाँ पे ब्रेसेस लिया, सॉरी ये जो ब्रेसेस भी बोलते हैं हम लोग अक्सर मिडिल क्वेश्चन को, मिडिल ब्रैकेट को, और यहाँ पर हम इसको भी क्लोज कर लेंगे। देखो जब भी काम किया करो आप ना, तो जो ये जो सेमी सॉरी मिडिल क्वेश्चन लेते हो मिडिल ब्रैकेट एक साथ ले लिया करो, तो वो आपको हेल्प करेगा काम करने में, आगे आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा, है ना। देखो प्रिंट ऑफ ब्रैकेट और यहाँ पे आप लिखते हो सेकेंड नंबर इज ग्रेटर, सेकेंड नंबर इज ग्रेटर ब्रैकेट क्लोज इंटर। देखो यहाँ पे सेमी कॉलन लगाना आप ना भूलना, वरना प्रॉब्लम करेगा प्रोग्राम रन होने में, है ना। इंटर किया, इंटर करो, अब यहाँ पे एक और काम करना, यहाँ पे लिख सकते हो तीसरा कंडीशन इफ ब्रैकेट ए इज इक्वल टू यानी इक्वल टू बी बराबर आए, तो उसके लिए क्या कंडीशन हो वो हम डिस्कस करेंगे। आपने ओपन किया और एक और कर लो क्लोज, है ना, क्लोज किया और बीच में से आपको एक कंडीशन देनी पड़ेगी कि दोनों सही हैं, है ना, ब्रैकेट किया। और देखो एक और नया मैं चीज़ बताने जा रहा हूँ, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे एन का, तो एन को हम यूज़ करते हैं, इसको बोलते हैं न्यू लाइन, ठीक है ना, स्लैश जो फॉरवर्ड स्लैश होता है एन के साथ, इसको बोलते हैं न्यू लाइन। तो यहाँ लिख सकते हैं बोथ नंबर और इक्वल, मतलब दो नंबर दिए जाएँ, दोनों नंबर से चेक करेगा कि ये नंबर बड़ा तो फर्स्ट नंबर बड़ा तो फर्स्ट नंबर को इंडिकेट करेगा, सेकेंड नंबर बड़ा तो सेकेंड नंबर इंडिकेट करेगा, और दोनों नंबर सेम है तो इंडिकेट करे कि सर ये दोनों नंबर सेम सेम है, है ना। तो यहाँ पर इंटर करो, इसके बाद आपको पता है कि गेट सी एच लगा दोगे तो आपके लिए थोड़ा बेटर होता है, यहाँ पर इंटर करो, हमने लिखा कि गेट सी एच ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, और एक और काम कर लेना यहाँ पर सी एल आर एस सी आर लगा देना, वो थोड़ा हेल्प करता है, सी एल आर एस सी आर, ये मैंने पिछले सेशन में इसको डिस्कस किया है, सी एल आर एस सी आर, आप पिछले सेशन देखें ज़रूर क्योंकि वो आपको हेल्प करेगा। देखो ये प्रोग्राम बाय डिफॉल्ट सी प्लस प्लस में होता है, इसको हम क्लिक करके सी में सेव करेंगे ना, तो क्लिक किया हमने, लिख देते हैं मैक्स का मॉडल, मैक्स का कोई प्रोग्राम है डॉट सी, इंटर किया। देखो जी ये प्रोग्राम हमारे पास बन चुका है, अब इसको हम ना कंट्रोल एफ नाइन करते हैं, चेक करते हैं, एरर बता रहा है, जब एरर बोले तो यहाँ पे आप देख लेना कि क्या प्रॉब्लम है, यहाँ कुछ मिसिंग बता रहा है, तो इसको डबल क्लिक करो आपको ये प्रोग्राम दिख जाएगा कि यहाँ पे एक मिसिंग प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम को आप अच्छे से समझ लो कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है, ठीक है। देखो जब भी कोई भी एरर आए तो आप यहाँ नीचे देख लिया करो, आपको दिख जाएगा प्रॉब्लम, सेमी कॉलन का प्रॉब्लम है वो दिख जाएगा, कोड का कोई एरर है वो दिख जाएगा, है ना। और इसके बाद अब ये जब प्रोग्राम बन जाए, मैं एक बार फिर से प्रोग्राम दिखा दूँ, ये प्रोग्राम हमने बनाया मेन से करके, यहाँ से टोटल ये प्रोग्राम बना हुआ है, और इसमें क्या कर सकते हैं आप, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं
अब मैं कंट्रोल के साथ F9 प्रेस करूँगा और यहाँ लिखा है इंटर नंबर। तो अब यहाँ क्या कर सकते हो, लिखो पहले कोई नंबर, जैसे लिखा 10, इंटर प्रेस करो। अब मैं कोई नंबर प्रेस करता हूँ, लिखा 20, ये क्या लिखाएगा, सेकेंड नंबर इज़ ग्रेटर, है ना। अब देख ध्यान देना, दोबारा मैं प्रेस करता हूँ, मैंने फर्स्ट नंबर को स्मॉल किया था, सेकेंड नंबर को ग्रेटर किया था। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने लिखा सेकेंड नंबर, फर्स्ट नंबर को ग्रेटर और सेकेंड नंबर को मैंने 20 कर दिया। अब देखना क्या आंसर देता है, देखिए फर्स्ट नंबर इज़ ग्रेटर, ठीक है। अब मैं चेक करता हूँ कि इक्वल भी आ रहा है कि नहीं, कंट्रोल F9 प्रेस किया हमने और हम चेक करते हैं, हमने प्रेस किया 50, इंटर, हमने लिखा 50, इंटर प्रेस करेंगे तो क्या बोला है, बाई डिफ़ॉल्ट है वो, ये बोल रहा है कि एकदम, ठीक है ना। जब आपका प्रॉब्लम होगा वो प्रॉब्लम आप देख लीजिएगा कि कहाँ प्रॉब्लम है, है ना। तो इस तरीके से ये प्रोग्राम को सॉल्व कर देता है बहुत ही आसानी से, मैक्सिमम एंड मिनिमम, ठीक है। तो आप इस तरीके से आप चैनल बने रहें, आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो आप सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।